आज हम चर्चा करेंगे ब्लड इंडेसेस यानी कि MCV मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, MCH मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन और MCHC यानी कि मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट का CBC रिपोर्ट में क्या महत्व है। MCV, MCH और MCHC रिपोर्ट के लिए पहले आपको करनी है ब्लड हीमोग्लोबिन की टेस्ट, उसके बाद लाल पेशिंग का मापन यानी कि RBC काउंट, और उसके बाद PCV यानी कि पैक्ड सेल वॉल्यूम की टेस्ट। MCV, MCH और MCHC के रिपोर्ट फिर हीमोग्लोबिन, RBC काउंट और PCV के सहारे विशिष्ट सूत्र यानी कि फॉर्मूले के सहारे मापन करते हैं। तो पहले देखते हैं कि MCV का रिपोर्ट कैसे निकालते हैं। तो ये है फॉर्मूला, MCV इज इक्वल टू हीमाटोक्रिट PCV मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय टोटल RBC काउंट, और इसकी रेफरेंस रेंज नॉर्मल रेंज है 82 to 92 फेल्टोलीटर। अब देखते हैं कि MCV टेस्ट का महत्व क्या है। MCV 82 फेल्टोलीटर से कम दर्शाता है जब लाल पेशी का यानी कि रेड ब्लड सेल का आकार नॉर्मल रेड ब्लड सेल से कम हो तो, और यह होता है माइक्रोसाइटिक अनीमिया में, और इसका प्रमुख कारण है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। खून में लोह का प्रमाण कम होने से आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। MCV 92 फेल्टोलीटर से बढ़ता है माइक्रोसाइटिक अनीमिया में, जो दिखता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी में। MCV टेस्ट का यह महत्व है कि MCV लाल पेशी का एवरेज यानी के औसत मापन दर्शाता है। अब देखते हैं कि MCH का क्या महत्व है। MCH यह दर्शाता है कि हर एक लाल पेशी में हीमोग्लोबिन का औसत यानी के एवरेज मापन, और इसका रिपोर्ट निकालते हैं टोटल हीमोग्लोबिन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय टोटल RBC काउंट। MCH का नॉर्मल रेंज है 27 से 32, दैट मीन्स 27 to 32 पिकोग्राम, और 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू 10^-12 ग्राम्स। लो MCH यानी कि 27 के नीचे MCH की वैल्यू दिखती है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया और थैलेसेमिया ट्रेट में, और हाई MCH 32 के ऊपर अबाउ 32 आर ऑब्जर्व्ड इन माइक्रोसाइटिक अनीमिया में, जो विटामिन B12 या फॉलिक एसिड के कमतरता से कारण होता है। अब हम चर्चा करते हैं MCHC यानी कि मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन की। ये दर्शाता है कि एक एवरेज मापन के लाल पेशी में एवरेज हीमोग्लोबिन कितना होता है। MCH और MCHC में क्या फ़र्क है। फ़र्क ये है कि MCH लाल पेशी का आकार नहीं विचार करती है, मगर MCHC लाल पेशी का आकार और एवरेज हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन का भी विचार करती है। MCHC का रिपोर्ट निकालते हैं हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय हीमाटोक्रिट PCV वैल्यू, और इसकी नॉर्मल रेंज है 32 to 36%। MCHC के 32% से कम वैल्यूज दिखते हैं
हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक अनीमिया में जो दिखता है आयरन डिफिशेंसी अनीमिया और थैलेसीमिया में, और MCHC के वैल्यूज़ 36 के ऊपर बढ़ते हैं जो ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया, मैक्रोसाइटिक अनीमिया और हेरेडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में दिखते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो आप हमारा एजुकेशनल चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल बटन भी प्रेस करने के लिए मत भूलिए। तो अगले टाइम हम आपके लिए लेके आएंगे और एक एजुकेशनल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।